हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंश और आप सभी का अंश वाला वंडर किड्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 अमेजिंग नेचर के बारे में फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे अर्थ पर जितने भी पेड़ हैं उसको किसी चीज से कंपेयर करो, अगर मैं आपको बोलूं पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में जो भी स्टार्स है उससे कंपेयर करो, तो फैक्ट ये है कि मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स है उससे 12 टाइम्स ज्यादा पेड़ हमारे पूरे अर्थ में है। ये फैक्ट ट्रू है, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, ये फैक्ट एकदम ट्रू है। लेकिन आप अगर सोचोगे कि इतने सारे अगर पेड़ हैं तो फिर मना क्यों करते कि पेड़ मत काटो। तो फैक्ट ये है कि अगर आप पेड़ काटते जाओगे तो वो जो क्वांटिटी है पेड़ों की वो कम होती जाएगी, और ये फैक्ट ऑब्वियसली रॉन्ग होएगा ही होगा। अरे सॉरी, ये एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है कि जो अफ्रीकन बफेलोस का हर्ड होता है, अफ्रीकन बफेलोस का जो झुंड होता है, वो अपने आप में ही वोटिंग करते हैं। आपने सही सुना, वो लोग वोटिंग करते हैं। ऐसे हम लोग बोलते ना, मेजोरिटी जिसकी होगी वो जीतेगा, वैसे वो लोग वोटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनको कौन से डायरेक्शन में जाना है। मतलब हम इंसानों का तो समझ आ पाए, हम लोग वोटिंग करते हैं, अपना लीडर चूज करते हैं, गवर्नमेंट चूज करते हैं, वो लोग अपने अंदर ये वोटिंग करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत ही कमाल का फैक्ट है। आई थिंक ये फैक्ट आपको मालूम होगा कि जब पाइनएप्पल्स होते हैं उनको ग्रो होने में 2 साल लगते हैं। एक पाइनएप्पल को ग्रो होने में 2 साल लगते हैं, और क्या पता, क्या आपको पता है कि उसको खाने में कितना देर लगती है? बस 2 मिनट। वाओ, उगने में 2 साल, खाने में 2 मिनट, कितनी अच्छी बात है ना। क्या आपको पता है कि एक ड्राफ्ट प्लेनेट है जिसका नाम है प्लूटो, जिसको डिस्कवर करा गया था 1930 में। और फैक्ट ये है कि 1930 से 2020 तक उसने, प्लूटो प्लेनेट ने सन का एक भी ऑर्बिट कंप्लीट नहीं किया है। जैसे कि हम बोलते हैं कि अर्थ को एक साल 365 डेज लगते हैं और सन का पूरा एक राउंड मारने में, वैसे उसको 1930 से 2020 तक, यानी कि 90 इयर्स तक प्लूटो ने अब तक एक रिवॉल्यूशन भी पूरा नहीं करा है सन के अराउंड। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में हर साल लाखों की तादाद में लोग मरते हैं सिर्फ एक मॉस्किटो के काटने से, वो भी मलेरिया डिजीज से। इसका मतलब है हर दिन मरते हैं लोग 2400 और हर घंटे मरते हैं 100 लोग। क्या आप बिलीव कर सकते हो, हर घंटे 100 लोग बस एक मच्छर के काटने से। क्या आपको पता है कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस जो है वो इतना ज्यादा है कि आप बाकी के बचे हुए 7 प्लैनेट्स को अर्थ और मून के बीच में फिट कर सकते हो, और वो भी वो सारे प्लैनेट्स टच नहीं रहेंगे, उन सारे प्लैनेट्स के बीच में भी गैप रहेगा, मतलब एक प्लैनेट फिर एक प्लैनेट बीच में गैप रहेगा। तो आप सोच सकते हो कि अर्थ और मून के बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। क्या आपको पता है ये जो एक्वेटिक एनिमल है इसका नाम है लॉयस्टर, जो बहुत ही सुंदर दिखता है, ब्लू कलर का होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये जानवर सिर्फ 2 तरह से मर सकता है, या तो बुढ़ा होके या फिर किसी और मछली के खाने से। बुढ़ा होने से मेरा मतलब ये है कि हम सबकी एज बढ़ती है और ज्यादा एज होने से सब मरते हैं कभी ना कभी, और मछली के खाने से आप समझ सकते हो। तो ये इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए ये बस इन 2 टाइप से ही मर सकता है, या तो बुढ़ा होके या फिर दूसरी मछली के खाने से। जैसे इंसानों को कैसे डिजीजेस होती है, मतलब बहुत सारी बीमारियां होती है, किसी को कैंसर होता है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस होता है, तो उससे भी इंसान मरते हैं। लेकिन ये जानवर को कुछ भी हो जाए ये बस या तो बूढ़ा होकर मरेगा या फिर किसी और मछली के खाने से ही मरेगा। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। आपने सुना होगा कि हम लोग वेल्डिंग करते हैं आयरन मेटल्स को, कोई से भी मेटल्स को, आयरन या फिर दूसरे मेटल्स को वेल्ड करते हैं हम, जैसे कि 2 मेटल्स को ज्वाइन कर दिया, फिर उसके बीच में कुछ तो वो हेलमेट जैसे पहनते हैं कुछ तो, और फिर आग निकलती है उससे वेल्डिंग करते हैं, दोनों मेटल्स को जोड़ते हैं। वो चीज स्पेस में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अपने आप हो जाता है। आप सोच सकते हो अपने आप 2 मेटल्स वेल्ड हो जाते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है, फायर की जरूरत नहीं है, जबकि इतना कोल्ड होता है उधर। ये एक बहुत ही फनी फैक्ट है, मुझे बहुत हंसी आई थी सुन के,
फैक्ट ये है कि जो बेबी जिराफ होते हैं वो अपने बर्ड्स को हिप्स को एज अ पिलो यूज करते हैं। हम लोग तकिए को यूज करते हैं सोने के लिए ना, वो लोग अपने बर्ड्स को एज अ पिलो यूज करते हैं। क्योंकि पता है कि जो टिफिन बॉक्स होते हैं या कोई से भी बॉक्स होते हैं, डब्बे होते हैं, उनके जो ढक्कन होते हैं उनके बीच में एक छोटा सा डॉट दिखता होगा आपको। आप लोग सोचते होंगे कि क्यों होता है, तो वो डॉट इसलिए होता है क्योंकि कोई से भी प्लास्टिक का जो बॉक्स का ढक्कन होता है उसको वो लोग 3D प्रिंटिंग मशीन या फिर उसी टाइप की कुछ मशीन से बनाते हैं, तो उससे वो ऐसे बनता है, इस टाइप से जलेबी के शेप में जाता है, वो बीच में जाता है, एक डॉट पे अटकता है। अब उस डॉट को वो लोग फिल नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन मेरे को भी नहीं मालूम है सही, वो लोग वो डॉट को फिल नहीं कर पाते हैं इसलिए वो एक डॉट उधर रह जाता है। उससे मालूम पड़ता है कि वो पूरा बॉक्स जो है, ढक्कन जो है, वो एक जगह पर जॉइंट हो रहा है वो पूरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करना, और प्लीज हमको कमेंट्स में और वीडियो के बारे में सजेस्ट करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।